वेलकम टू एस फिजिक्स आज हम लोग एलेवेंथ स्टैंडर्ड का मैग्नेटिज्म टॉपिक का न्योमेरिकल करेंगे जो एलेवेंथ स्टैंडर्ड एच एस सी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है तो स्टार्ट करते हैं पहला सम है हम लोग फर्स्ट सम रीड करेंगे तो पहला सम क्या है अ मैग्नेटिक पोल ऑफ बार मैग्नेट विद अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ हंड्रेड मिली एम्पियर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट बार मैग्नेट के सेंटर से ट्वेंटी सेंटीमीटर अवे है और ये कैरेक्टरिस्टिकार मैग्नेट का और फिर दूसरे कंडीशन में बोला है बार मैग्नेट हैोल स्ट्रेंथ ऑफ दूसरा बार मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है टू हंड्रेड एम्पियर मीटर है एंड हैज अंथ ऑफ फाइव सेंटीमीटर इफ द मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल ये हमें निकालना है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है बट है सिंपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमें दो मैग्नेटिक पोल दिया ऑफ अ बार मैग्नेट इसका पोल स्ट्रेंथ हमें 100 दिया और इसपे फोर्स इसके वजह से फोर्स निकालना है किसपे दूसरे एक मैग्नेट पे अब दूसरे मैग्नेट का सिनेरियो हमें दिया है कि ये है ये मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ जो प्लस काम हम लिखते हैं और माइनस क्यू एम वो हमें दिया है टू हंड्रेड एम्पियर मीटर ये क्यू एम एक मैग्नेट का है और इसका डायपोल लेंथ मतलब ये जो टूएल है वो दिया है फाइव सेंटीमीटर तो सबसे पहले हम इसका इस मैग्नेट का जो एक्सिस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो फाइंड आउट हम लोग करेंगे तो यहां मैंने गिवन में लिख दिया है कि क्यों है ये 200 मीटर है और डायपोल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर 200 हंड्रेड मिली एम्पियर दैट इज द पोल स्ट्रेंथ एंड सेंटीमीटर जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा ये होगा फाइव इंटू टेन टू माइनस टू मीटर तो पोल स्ट्रेंथ दिया है और क्या दिया है डायपोल लेंथ दिया है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कभी कभी हम लोग इसको स्मॉल एम से या कैपिटल एम से निकालते हैं दैट इज क्यू एम इंटू एल क्यू एम इंटू मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एम क्या हो गया पोल स्ट्रेंथ क्यू एम इंटू डायपोल लेंथ तो ये दोनों टर्म्स हमें दिए हुए टू हंड्रेड मिली एमपियर इसका क्यूएम मतलब पोल स्ट्रेंथ है और टूएल्व क्या है इसका डायपोल लेंथ है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकाल लिया ये टर्म हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और फार्मूला क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैं फिर से बता दूं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यूएम का वैल्यू टू हंड्रेड यहां रखा है और एल का वैल्यू फाइव इंटू टेनरेज टू माइनस टू क्योंकि ये मीटर में था सेंटीमीटर में था फाइव सेंटीमीटर उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया मीटर में जितना जो कि फाइव इंटू टेनरेज टू माइनस टू मीटर हो गया तो दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो हो गया एम इंटू टू एल्व टू हंड्रेड इंटू टेन रेस टू तो टू हंड्रेड तो को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू इंटू हंड्रेड इंटू फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस टू तो ये माइनस टू और ये हंड्रेड का दिया हुआ है ट्वेंटी सेंटीमीटर अवे आर क्या दिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर अवे तो बी एट एक्सिस हम लोग निकालेंगे सबसे पहले तो बी एट एक्सिस हमारा क्या है फॉर्मूला क्या है B axis का mu by pi, 2m by r cube. सारे टर्म्स हमें पता है तो वैल्यू हम सब्सिट्यूट करें तो बी ए हमारा क्या होगा बी ए बी ए मे नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू क्या होता है टेनरेज टू माइनस सेवन फिर से बता दो मे नॉट बाई फोर पाई का जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो टेनरेज टू माइनस सेवन होता है तो यहां पे वैल्यू टेन रेस टू माइनस सेवन इंटू टू इन टू पोल स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमने कैल्कुलेट किया है टेन है तो टेन है अपॉन आर क्यूब है आर कितना दिया है जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू का होल क्यूब जीरो पॉइंट टू का होल क्यूब तो ये हो जाएगा टेन रेस टू माइनस सेवन इंटू टू टेन ज्वेंटी अपॉन नीचे क्या बचेगा जीरो टू इंटू जीरो हम लोग इसको रख देते हैं एट इंटू टेन रेस टू एट इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री टेन रेस टू माइनस थ्री तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया हमें मिल गया ओके okay. टू हंड्रेड 10 राइट टेन इंटू करेक्ट तो ये हमें मिल गया कितना हो जाएगा? जाएगा. और ये ऊपर तो सेवन माइनस थ्री दैट विल बी टेनरेज टू माइनस फोर और ट्वेंटी बाई एट ट्वेंटी को अगर हम एट से डिवाइड करें तो टू फाइव टू जा और टू जा. तो टू पॉइंट फाइव आ जाएगा तो इसका आंसर आ गया टू पॉइंट फाइव इंटू तो हमें बी ए जो मिल गया वो मिल गया टू वेबर पर मीटर स्क्वायर क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां हमने फाइनली लिख दिया टू पॉइंट फाइव बी एट एक्सिस क्या हुआ टू पॉइंट फाइव इंटू टेनरेस टू माइनस फोर वेबर पर मीटर स्क्वायर ये फिर से ध्यान रखना हमें कि ये हमने किसके लिए किया फॉर द बार मैग्नेट पहला बार मैग्नेट के लिए लिखा यहां लिख सकते हैं फॉर बार मैग्नेट फॉर बार मैग्नेट हालांकि ये भी बार मैग्नेट है बट यहाँ पोल स्ट्रेंथ अलग है इसकी वजह से फोर्स क्या होगा एक्सिस पे वो हमें निकालना है तो अब हम दूसरा वाला टर्म यूज करेंगे तो दूसरे टर्म में यहां मैंने हालांकि पहले से थोड़ा सा लिख दिया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल क्या है फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ ड्यू टू दैट बार मैग्नेट वो क्या होगा हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है क्यू एम इंटू बी ए अच्छा ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है बट क्या है फार्मूला हमने पढ़ा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज तो यहां से हम लोग लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे क्या है सिमिलर कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और मैग्नेटिक फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी इट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्यू एम है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा दैट विल बी क्यू एम इंटू बी तो बी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है कि बी एट एक्सिस ये निकाला हुआ है और दूसरा पोल स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हंड्रेड यहाँ पे दिया हुआ है हंड्रेड तो हंड्रेड यहाँ पे QM के जगह हम हंड्रेड डाल देंगे और बी ए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है तो जो चाहिए वो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने लिखा है कि QM जो पोल के लिए पोल के लिए हमें दिया है पोल का पोल स्ट्रेंथ इस मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट का वो हंड्रेड एम्पियर मीटर है तो हंड्रेड एम्पियर मीटर इंटू बी एट एक्सिस ऑलरेडी हम कैलकुलेट किया 2 10 2 लिख सकते हैं, 2 10 हो जाएगा टेन रेस टू माइनस टू माइनस टू आ जाएगा तो ये आ गया टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस टू न्यूटन ये फाइनल आंसर आ जाएगा तो इसको हम लोग लिख लेते हैं तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 2.5 पॉइंट फाइव इन टू टेन रेस टू माइनस टू यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन तो ये हमने पहला सम कंप्लीट किया आई होप पूरा सम समझ में आया होगा मैं फिर से एक बार बता दूं कि एंटायर प्रोसेस में हमें करना क्या था हमें इस जो सेकेंड बार मैग्नेट है सेकेंड वाला बार मैग्नेट उसका एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कंफ्यूजन ये हो सकता है कि दो दो पोल स्ट्रेंथ दिया है तो हम क्या करें हम पहले इस जो बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है और उसका डायपोल लेंथ है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके एक्सिस पे तो एक्सिस के फार्मूले में जो हम पोल स्ट्रेंथ यूज करने वाले हैं वो 200 यूज करेंगे तो एक पार्ट ये क्लियर हो गया अच्छे से अभी दूसरे पार्ट में जब हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हमें दूसरे मैग्नेट की वजह से निकालना है तो वहां पोल स्ट्रेंथ किसका लेना है दूसरे मैग्नेट का जो है 100 एम्पियर मीटर नहीं तो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाएंगे और हम पहले क्यू क्यूएम हमें क्या यूज करना है अगर हमने उसमें गलती कर दी तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा आई होप ये सम समझ में आया होगा अभी चलते हैं दूसरे सम पे तो दूसरा सम क्या है दूसरा न्यूमेरिकल है मैग्नेट मेक एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद द हॉर्जेंटल विद द हॉर्जेंटल ऑफ थर्टी डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरेडियन तो हमें यहाँ पे दिया है कि ये जो एंगल है ये मैग्नेटिक मेरेडियन है विद द हॉर्जेंटल तो इस एंगल को हमने ले लिया अल्फा फिर से बता दू ये हमारा हॉर्जेंटल है और उसके साथ जो एंगल थर्टी डिग्री है वो मैग्नेटिक मेरेडियन ये मैग्नेटिक मेरेडियन है जॉग्राफिक मैग्नेटिक मेरेडियन जॉग्राफिक मेरिडियन नॉट मैग्नेटिक मेरिडियन जोग्राफिक मेरेडियन तो इसके बीच का एंगल हमें दिया है थर्टी डिग्री दूसरा केस और हमें दिया है कि ये जो मैग्नेटिक मेरेडियन है हॉर्जेंटल वाला वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ ये मैग्नेटिक uh, मेरेडियन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है ये मैग्नेटिक मेरेडियन है अपना तो इसके साथ का एंगल हमें दिया है 45 डिग्री तो हमें पूछा है कि फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट द प्लेस तो डिप एंगल हमारा जो हमें फाइंड आउट करना है दट इज अच्छा ये 45 डिग्री तो ट्रू वैल्यू ऑफ फाइ हमें निकालना है एक डिप एंगल ऑलरेडी दिया है 45 डिग्री बट वो मैग्नेटिक मेरेडियन के साथ दिया है इसके साथ लेकिन ट्रू क्या होगा तो वो हमें फाइंड आउट करना है तो हमने यहां पे लिख दिया ऑलरेडी कि अल्फा जो है वो 30 डिग्री है और फाइव जो है वो 45 बिकॉज़ यहां पे हमें दिया है 5 45 और अल्फा जो है वो 30 डिग्री है ठीक है इस एंगल के साथ मैग्नेटिक मेरेडियन और जोग्राफिक मेरेडियन आपने पढ़ा होगा थियरी पार्ट में तो उसी का डायग्राम मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो अगर हम लोग देखें इस केस में हमें क्या मिल रहा है बी एच ये बी एच है अगर मैं इसको रिजोल्व करूँ अल्फा को अल्फा को रिजोल्व करूं तो अल्फा बी एच ये है तो ये वाला कंपोनेंट अल्फा से अटैच है तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हुआ बी एच कॉस्थेटा ये सेम इट इज एज लाइक कि अगर ये एंगल हमारा अल्फा हुआ और ये बी एच है ये ये बी है या मैं इसको ठीक है बी एच ले लेता हूं तो ये जो बी एच डैश होगा ये होगा हमारा बी एच कॉस अल्फा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी जो साइड थीटा से अटैच है दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा तो अकॉर्डिंग टू दैट तो ये बी एच डैश हमारा बी एच कॉस थर्टी हो गया ये वेक्टर रेजोल्यूशन हमने अप्लाई किया ये बी एच है ऑरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड अबाउट द मैग्नेटिक मेरेडियन तो ये जो है बी एच डैश है वो हो गया बी एच कॉस थर्टी अब दूसरा पार्ट देखें तो अगर हम इसी में टेन फाइव टेन फाइव जो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप के लिए फॉर्मूला है टेन डेल्टा इज इक्वस टू बीवी अपॉन बी एच हमने पढ़ा टेन डेल्टा इज इक्व टू बी वी अपॉन बी एच मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अपॉन हार्सल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यहां मैंने लिख दिया ट्रू वैल्यू के लिए टेन फाइव इक्वल टू बीवी डैश अपॉन बी डैश वी अपॉन बी डैश एच है इनफैक्ट ये बी नहीं है ये एच है इसको यहां मैं चेंज कर देता हूं तो अब ये टर्म क्या हो गया यहाँ टेन फोर्टी फाइव अगर हम बात करें टेन फाइव का तो ये B डैश वी अपॉन बी डैश एच है बट B डैश एच हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है बी एच 30 थर्टी तो ये बीवी हो गया और ये बी एच कॉस्ट थर्टी हो गया क्योंकि B डैश वी इज इक्वल टू बी वी ये फिक्स्ड है वर्टिकल कंपोनेंट फिक्स्ड है वर्टिकल नहीं चेंज हो रहा है हॉर्जेंटल चेंज हो रहा है तो हॉर्जेंटल जो बी डैश एच है वो क्या हुआ बी एच कॉस्ट थर्टी तो टेन फोर्टी फाइव वन होता है और ये हो गया हमारा Bv अपॉन बी एच और इसको मैंने लिख दिया वन अपॉन कॉस्ट थर्टी और वन अपॉन कॉस्ट थर्टी ठीक है तो Bv अपॉन बी एच क्या हो गया ये cos थर्टी को हमने इधर भेज दिया तो Bv अपॉन बी एच हमारा हो गया cos थर्टी इसको हमने इक्वेशन वन ले लिया अभी आगे रियल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि टेन फाइव बीवी अपॉन बी एच वीवी क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बी एच क्या है हॉर्जेंटल बी बी एच हॉर्जेंटल कंपोनेंट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड तो टेन फाइव बीवी अपॉन बी एच अब हम यहां कंपेयर कर लें कि ये भी वीवी अपॉन बी एच है ये भी वीवी अपॉन बी एच है तो एक का आर एच एस एक के एल एच एस के बराबर बड़ है तो दूसरे का आर एच एस दूसरे के एल एच एस के बराबर बड़ हो जाएगा तो टेन फाइव थर्टी और टेन फाइव क्या है इज और फाइव तो चाहिए तो फाइव विल बी टेन इन वर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू ये हमारा फाइनल आंसर है तो इसमें मेन पार्ट आपका डायग्राम है अगर डायग्राम का रेजोल्यूशन आपको समझ में आया तो और दो इक्वेशन आप बना लिए देन यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजी वे और समझ में आएगा आपको ये अभी तीसरे समय हमारा स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वन एम्पियर मीटर स्क्वायर टू स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया है तो हमने ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं से, वो one ampere meter square दिया है। Next part, they are kept Achha, है, है, bar magnet है, अच्छा दो 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 एक को ऐसे रखा गया दूसरे को ऐसे रखा गया सच अवे दैट देयर एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर उनके एक्सेस परपेंडिकुलर है तो एक का एक्सेस ऐसा है और दूसरे का एक्सिस ऑफ कोर्स ऐसा है तो ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर है लाइन ड्रॉन थ्रू द एक्सिस ऑफ द वन मैग्नेट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एक मैग्नेट से के जो एक्सिस से लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो दूसरे मैग्नेट के सेंटर से पास कर रहा है दूसरे मैग्नेट के सेंटर से पास कर रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज टू मीटर और बोला है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये सेंटर सी वन है ये सेंटर सी टू है इनके बीच का ये डिस्टेंस हमें दिया है टू मीटर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ये लाइन जो है इनके मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो इस पॉइंट पे ये जो दो मीटर है तो हमें बोला है कि एक मीटर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट पी है इट इज एट द मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो इस पॉइंट पे हम देखें अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सिस है तो एक मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एक्ट हो रहा है और जो ये फील्ड है ये इसके परपेंडिकुलर है तो एक्स इक्वेटोरियल है तो इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है एक अलोंग द एक्सिस और दूसरा अलोंग द इक्वेटर तो हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन तो वो चीजें हम लोग कर लेंगे पे तो डायग्राम एज पर क्वेश्चन हमने यहां डायग्राम ड्रॉ कर दिया ये बता दिया कि इस पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है और ये डिस्टेंस टू मीटर है और इसका जो मिड पॉइंट है P तो ये डिस्टेंस हमारा वन मीटर होगा वापस मैं बताऊंगा कि ये डिस्टेंस वन मीटर होगा और ये भी डिस्टेंस वन मीटर होगा वन मीटर तो ये भी हमें ध्यान में रखना है तो R हमें दिया है वन मीटर B नेट B निकालना है तो हमने बताया कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है एक अलोंग द इक्वेटर और दूसरा अलोंग द एक्सिस ये बी एट एक्सिस का हो गया तो बी एट एक्सिस मैंने ये पार्ट ट्रेस कर लिया यहां पे और ये पार्ट बी एट इक्वेटर है दैट इज हियर नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हमें फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में जो दिया है वो एम दिया है वन एम्पियर मीटर स्क्वायर और बाकी डिस्टेंस तो ये दिया है वन मीटर ये इज वन मीटर है तो बी एट एक्सिस हम लोग निकालें तो बी एट एक्सिस का फॉर्मूला क्या है बी एट एक्सिस इज म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एम बाई आर क्यूब सारे वैल्यूज हमें पता है तो हम लोग जस्ट इसके वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो बी एट pi का वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू होता है टेन रेस टू माइनस सेवन तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू डाल देंगे टेन रेस टू माइनस सेवन तो ये आ गया टेन रेस टू माइनस सेवन इंटू टू एम कितना है एम पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ हमने यहां लिखा है वन एम्पियर मीटर स्क्वायर जो यहां पे ऑलरेडी दिया है तो एम इज वन और आर भी वन हो गया तो एम इज वन और R जो है R है क्यूब क्यूब तो अपॉन का सो so, ये क्या हो जाएगा ये तो पूरा वन वन हो गया टू इंटू टेनरेज टू माइनस सेवन तो ओवरऑल हमें बी एट इक्वेटर क्या मिला टू इंटू टेनरेज टू माइनस सेवन टेस्ला या वेवर पर मीटर स्क्वायर जो भी हमें यूनिट लिखना चाहें मैं फिलहाल यहाँ टेस्ला लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास या इसी को मैं चेंज कर लूंगा तो बी एट इक्वेटर मिल गया मुझे टू इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन वेबर पर मीटर स्क्वायर ये मुझे बी एट एक्सिस का वैल्यू मिल गया बी एट एक्सिस अभी दूसरा हम बी एट इक्वेटर निकालें तो बी एट इक्वेटर का फार्मूला क्या है बस यहाँ एम टू एम के जगह एम आ जाता है तो बी एट इक्वेटर ये फार्मूला है म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर क्यूब तो ये टर्म हमें मिल जाएगा दिस टर्म वापस से म्यू नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू टेनरेज टू माइनस सेवन इंटू एम का वैल्यू वन अपॉन आर इज वन का क्यूब तो ओवरऑल सिर्फ हमें मिला टेनरेज टू माइनस सेवन बट हम फार्मूले में सबको सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो म्यू नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू टेनरेज टू माइनस सेवन इंटू एम का वैल्यू वन आर का वैल्यू वन का क्यूब तो अल्टीमेटली बी एट इक्वेटर हमें मिल गया बी एट इक्वेटर बिकम्स टेन रेस टू माइनस सेवन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया बी एट इक्वेटर बी एट इक्वेटर मिल गया ठीक है बी एट इक्वेटर तो हमें बी एट एक्सिस पता है बी एट इक्वेटर पता है अब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ये पार्ट की बात करूं सिर्फ ये पार्ट की तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहां पैरलोग्राम लॉ अप्लाई कर दें या इसी को बोले ये आ, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया मैं फिर से दिखा रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया तो ये बी एट इक्वेटर है ये बी एट एक्सिस है तो ये हाइपोटेनस हमें नेट बी है वो हमें कैलकुलेट करना है तो ये पार्ट ऑलरेडी हमें पता है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर तो वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है तो हम जस्ट सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज बी ए हमें दिया है अलोंग द एक्सिस ये था टू इंटू टेनरेज टू माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी एट इक्वेटर हमने क्या निकाला वन इंटू टेनरेज टू माइनस सेवन का होल स्क्वायर तो पहले होल स्क्वायर कर लें अच्छा एक और चीज सेवन लिखू या वन इंटू टेन रेज टू माइनस सेवन लिखू ये दोनों टर्म सेम है सो so, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो ये आएगा रूट ऑफ स्क्वायर कर ले तो फोर इंटू टेनरेज टू माइनस फोर्टीन प्लस वन इंटू टेनरेज टू माइनस फोर्टीन सॉरी हाँ माइनस फोर्टीन तो हमें क्या मिलेगा माइनस फोर्टीन का वापस स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा टेनरेज टू माइनस सेवन बाहर हो जाएगा ये और ये फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा तो हमें मिल गया बी नेट बीस टू रूट फाइव इन टू टेनरेज टू माइनस सेवन वेबर पर मीटर स्क्वायर तो ये हमें क्या मिल गया जो फाइनल आंसर हमें कैलकुलेट करना था नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा दैट विल बी रूट फाइव इंटू टेनरेज टू माइनस सेवन स्क्वायर तो अभी अगले सम पे चलते हैं एक्चुअली ये सम नहीं है सम तो खत्म हो गए आगे दो ग्राफ दिया हुआ ग्राफ मैंने प्लॉट करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो ग्राफ क्या है हमारा अ सर्कुलर मैग्नेट इज मेड विद इट्स नॉर्थ पोल एट द सेंटर सेंटर पे क्या रखा नॉर्थ पोल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि डायग्राम कैसा है सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कुलर साउथ पोल ये सराउंडिंग सेपरेटेड है ये साउथ पोल है ये जो है साउथ पोल है अंदर क्या है नॉर्थ पोल ये जो है साउथ पोल है तो हमें पूछा है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द गैप तो गैप में मैग्नेटिक फील्ड हमें ड्रॉ करना है आपने बेसिक जो पढ़ा है कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट कहाँ पे होती है साउथ पोल पे ओरिजिनेट नॉर्थ से टर्मिनेट साउथ पे ओरिजिनेट नॉर्थ से टर्मिनेटेड साउथ पे तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का लेकिन यहां सर्कुलर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल होगा कैसा होगा रेडियल रेडियल मतलब पपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकल रही है फिर से बता दो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलेंगे नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट कहाँ पे होंगे साउथ पे बट कहा कैसे रेडियली पपेंडिकुलरली क्यों क्यों पपेंडिकुलरली होंगे क्योंकि ये सर्कुलर मैग्नेट है और सर्कुलर मैग्नेट में सर्कल में हम कहीं से भी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके सेंटर पे तो वो हमेशा अपेंडिकुलर होगा कहाँ पे उसके सर्कम पे हमेशा पपेंडिकुलर होगा इसीलिए ये रेडियल हम लोग इसको बोलते हैं तो ये इसका ग्राफ हो गया कि ड्रॉ द डायग्राम टू इलेस्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स